नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 23 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी दिखाऊँगा। तो और रात में मैंने इसका बायल निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स और इंडेक्स का बाई लेवल, सेल लेवल, पिवट पॉइंट्स, ये सब दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो बाई लेवल, सेल लेवल दिखाऊंगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, और ये वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा, और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स है जो आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा जो मैं जो लाइसेंस लेवल कम स्किनर बनाता हूँ उसके थ्रू में मैंने बाय लेवल एंड सेल लेवल देता हूँ, और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे इमेज स्ट्रेटजी, NR4 NR7 और बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने जो दिखाता हूँ। तो उसका ये फाइल आप लोग को डाउनलोड, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पेज है जिसमें आप लोग शामिल होकर फ्री ट्रायल जो देख सकता है, इसमें मैंने फाइल पूरा फाइल शेयर करता हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो उसका भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। तो देखिए, ये मैंने कल भी बोला था कि चार्ट का सेटअप जो दिखा रहा है, आप लोग कल का वीडियो सुन सकता है, तो ये नीचे जाने का इंडिकेटर ज़्यादा कर रहा है। तो ये आज भी बहुत ही बड़ा एक बुलिश कैंडल बना है, इसका लो जो तोड़ के ये बड़ा बुलिश कैंडल बना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये थ्री कंसेक्यूटिव बीआरएस कैंडल्स बनाया है। तो इसको आप लोग जानते हैं कि थ्री ब्लैक लोज या लोअर हाई लोअर लोज बनाया है। तो इसका लो जब तोड़ेगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा, इसका बहुत ही नीचे आ सकता है, मतलब 11,000 12,100 के नीचे ही आ सकता है। तो फिलहाल इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 12,070 में, उसके बाद 12,034 में, उसके बाद जब गिरेगा तो ये 12,000 के नीचे आ जाएगा। तो इसका और जब इसका हाई जब ब्रेक करेगा तो कुछ रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, तो और आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसका और भी जो पैटर्न जो बना है इसमें, ये है बीआरएस एनगल्फिंग, आप लोग भी इसको देख सकता है। ये जो आज का जो कैंडल है, ये अगला दिन का कैंडल को एनगल्फ करके रखा है, इसको बीआरएस एनगल्फिंग। तो सभी साइड में ये दिखा रहा है कि इंडिकेट कर रहा है नीचे जाने का प्रॉबिलिटी, और चार्ट का सेटअप भी जो है तो नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है, रिट्रेसमेंट का कोई साइन दिख नहीं रहा है। और निफ्टी बैंक का मैंने निफ्टी बैंक में भी सेम पैटर्न है, इधर चार्ट का सेटअप, और ये एक्चुअली निफ्टी बैंक में जो निफ्टी बैंक में जो हुआ है चार्ट में, ये ऑलरेडी क्रॉस ओवर होके ब्रेक होके बहुत ही नीचे आ गया है, 3,600 के आसपास ही आ गया है। इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है इधर, जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये लेवल हो सकता है, जैसा मतलब 30,100 के आसपास नेक्स्ट लेवल हो सकता है, उसके बाद ये 29,600 के आसपास इसका सपोर्ट बन सकता है। और इधर चार्ट क्रॉस ओवर पर थोड़ा सा रिटेस्ट होने का चांसेस है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है, रिटेस्ट होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप लोग जो मैंने बोला है कि बुलिश एंगल बीआरएस एंगल, या इधर परफेक्टली बीआरएस एंगल नहीं हुआ है, लेकिन थ्री कंसेक्यूटिव बीआरएस कैंडल तो जरूर बना है राउंड 10 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, मैंने बाद में रात में आप लोग को दिखाया, ठीक है। अभी भी दिखा इधर, इधर देखिए थ्री ब्लैक क्रॉस जो है बैंक निफ्टी में दिखा रहा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखा रहा है ये, और इधर स्काउट का पैटर्न एक बना है,
इधर मास्टर 3.5 शॉर्ट ये बना है और इधर बेयरिश एनगल्फिंग निफ्टी फ्यूचर में दिखा रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी में बना है लेकिन परफेक्ट नहीं बना है, इसीलिए उधर दिखा नहीं रहा है। और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न इधर से नहीं दिख रहा है और ट्रायंगुलर पैटर्न तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो देखते हैं नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और देखते हैं इसके साथ ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा इसके साथ। निफ्टी का देखिए, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 0.52 है, मतलब 0.75 से 0.50 नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी था रहता है, तो नीचे ऑलरेडी जा चुका है और ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 0.50 के थोड़ा सा और भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे ही वन टाइम नहीं जाएगा, ये कॉन्सोलिडेट होते होते जाता है, वो तो हो सकता है इधर से कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर से ऊपर रिटेस होकर जाने का, जो चार्ट का सेटअप नहीं दिखा रहा है उसका, जिसका पॉसिबिलिटी चार्ट का सेटअप है बहुत ही कम दिखा रहा है। इधर 12,200 में इसका रेजिस्टेंस बना है, शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है। इधर इम्प्लेंट वोल्टेज भी बड़ा है, कल आप लोग देख सकते थे, कल का आपको यह था 13-14 के आसपास था या 16 हो गया। तो इधर 12,000 में इसका बुक साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, मतलब इधर सपोर्ट बना है 12,000 में, तो इधर लॉन्ग अनवन भी हो रहा है, तो दोनों तरफ से ये थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट भी दिखा सकता है, लेकिन कल एक्सपायरी डेट में साइडवेज मूवमेंट होगा ऐसा लगता नहीं है। और बुक साइड में जो इंडा मनी है तो इधर लॉन्ग बिल्डअप होके रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने का जब भी कोशिश करेगा तो बुक साइड में लॉन्ग बिल्डअप बनेगा, तो उसको फिर से मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करेगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखता है, बैंक निफ्टी का देखा इधर ऑलरेडी 0.50 पीसीआर ऐसे ऑलरेडी 0.50 के नीचे गिरा है, 0.48 हुआ है। इधर 31,000 में कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, मतलब इधर कॉल साइड, इधर 31,000 में इसका रेजिस्टेंस है। और इधर बुक साइड में देखिए, पहले तो 30,500 में बना है, एक 30,300 में दिख रहा है, तो 30,500 का मैंने पकड़ता हूँ। और इधर भी लॉन्ग अनविंडिंग दिख रहा है, तो इधर लॉन्ग अनविंडिंग दिख रहा है, और दोनों तरफ से इधर मतलब साइडवेज मूवमेंट दिखा मतलब ये इसका इंडिकेट करेगा कि साइडवेज मूवमेंट दिखेगा, लेकिन नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, मतलब वोलेटिलिटी इधर बढ़ गया है, तो मतलब मूवमेंट ज़्यादा ही होगा, यही एक्सपेक्टेड है। और इधर लॉन्ग अर्न तो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी चार्ट का सेटअप से भी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इधर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, तो इधर देखिए 12,106 में क्लोज हुआ है, इसका कॉल इम्प्लांट बट इतना, फुल रिटर्न इतना, और वन डेज का एक्सपायरी के हिसाब से 12,000 में इधर मतलब जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। इधर तक रदर इट कैन गो टू 12,200, बाकी 12,000 के जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में इसका 30,500 में जाने का आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ऐसे तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट वे नहीं जाता है, आप लोग भी जानते हैं, हो सकता है कुछ गैप अप या गैप डाउन हो या कुछ कंसोलिडेशन होके जाता है मार्केट का मूवमेंट, आप लोग जानती है ऐसे मार्केट स्ट्रेट वे नहीं चलता है, तो कुछ टाइम कंसोलिडेशन का भी मिलेगा, तो इंटरडे में कुछ बाई का अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, तो आप लोग को देख लेना पड़ेगा चार्ट का सेटअप। और क्रूशियल जो पिवट पॉइंट्स है, सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उन लोग उसको उस सब चीज़ के ऊपर आप लोग को ध्यान रखना है। और मैंने तो रात में बाई लेवल, सेल लेवल, पिवट पॉइंट, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब आप लोग को दिखा दूँगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।